हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फ्रेंड मोनी चैनल पर। तो गाइस, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही टेस्टी, क्योंकि आज की रेसिपी में हम बनाएंगे छोले कुलचे। तो बस मैंने यहाँ पर 2 कप छोलों को रात को भिगो कर रख दिया था। फ्रिज को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और यहाँ पर हम 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। फिर इसको ढककर अच्छे से हमें 2 से 3 सीटी लगा लेनी है। तो गाइज, मैं अच्छे से सीटी लगा ली है। मैं दिखाती हूँ ये कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे टमाटो की प्यूरी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है, जिसमें ऐड कर लेंगे हम तीखे के लिए 2 हरी मिर्चियाँ, 2 अदरक के टुकड़े ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटो ऐड करेंगे, और इनकी हमें फाइन प्यूरी बना लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसकी अच्छे से फाइन प्यूरी बना लेंगे। आप लोग भी अच्छे तरीके से फाइन प्यूरी की बना लीजिएगा। तो चलो, काम को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है मीशो से, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बहुत रफली चॉप कर देता है और ये काम को ना बहुत ज़्यादा आसान कर लेता है। तो आप लोग भी मंगा लीजिएगा। और इसको अच्छे से हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इसमें कट करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो इसको अच्छे से चॉप करते जाएंगे। तो देखो, मैं दिखाती हूँ इसने कितने अच्छे से इसको चॉप कर लिया है। तो देखो, इसने कितने अच्छे से इसको चॉप किया ना। आप इसको इससे भी ज़्यादा बारीक चॉप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को ये बहुत आसानी से चॉप कर लेता है। तो चलो, यहाँ लेते हैं हम कुछ खड़े मसाले, जैसे कि मैंने दालचीनी ली है, जीरा लिया है, तेज़पत्ता लिया है, लौंग लिया है, काली मिर्च लिया है, और मैंने इसमें 3-4 इलायची ले ली है, जिससे कि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग भी ये सारे मसाले ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। फिर एक पैन में बटर ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। इसमें अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे और हल्का हल्का सा लो फ्लेम पे इनको भून लेंगे। उसके बाद इसमें चॉप किया हुआ अपना प्याज ऐड करेंगे। और हाँ गाइस, याद रखना, हमें सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे ही ऐड करना है। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करते हुए भूनेंगे और इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगी। तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं एंड इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हल्का हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। फिर इसमें ना प्याज में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसका ऑयल साइडों में आ जाएगा। तो इसको ढककर हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि हमारे टमाटो अच्छे से मैश हो जाएंगे। और देखिए, ये कितने अच्छे से पक चुके हैं। इसको एक बार चला लेंगे। तो चलो, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ले लेते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, कश्मीरी मिर्च और छोले मसाला। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे टमाटो में। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम 1/2 स्पून नमक ऐड कर लेंगे और सभी को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से सभी को हमें मिला लेना है। उसके बाद हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे, जिससे कि मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो देखिए गाइस, ये कितने अच्छे तरीके से भुन गया है ना, एंड इसका ऑयल भी साइडों में आ गया। तो जब तक इसका ऑयल साइडों में नहीं आएगा, तब तक हमें मसाले को अच्छे से भूनते जाना है। उसके बाद इसमें बॉयल छोले ऐड करेंगे और बॉयल छोलों को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो सभी को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया। तो लीजिए गाइस, छोले कुलचे के लिए छोले बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो फटाफट से आप लोग भी रेसिपी को फॉलो कर लो और ट्राई कर लो। तो चलो, इसके लिए हम बना लेते हैं कुलचे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। इसमें 1/2 स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1/2 स्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अगर पानी आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको दूध से भी मल सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमें मल लेना है, जिससे कि बहुत अच्छे से लग जाएगा। हमें इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। तो देखो, इस तरीके से हमें इसका डो लगा लेना है। उसके बाद इसको ढककर 30 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। 30 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे ये अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसकी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, जिससे कि ये चिपकेगी नहीं और बहुत आसानी से बेल जाएगी। तो इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे। इसको हमें अच्छे से हल्का सा बेल लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे काले तिल,
हरा धनिया ऐड कर लेंगे हम। इसको सेम बाहर जैसे ही बना रहे हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं ना छोले कुलचे, और वैसे ही हम इनको कुलचों को बना लेंगे। तो इसको अच्छे से गोल गोल सा बेल लेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है। आपको इसको इतना ही पतला रखना है, ना इसको ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, एकदम मीडियम सा रख लेंगे। फिर यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लेना और इस पर अपना कुलचा ऐड कर लेना। साइड में थोड़ा सा पानी डाल लेना जिससे कि कुलचा सॉफ्ट बनेगा। तो इसको ढककर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। और हाँ, इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है। उसके बाद इसको पलट कर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो हमें इसको दोनों साइड से अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए गाइज ये कुलचा भी कितना अच्छे से बनाना एकदम मार्केट जैसा। इसको अच्छे से बनाकर प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें बटर लगा लेंगे। तो लीजिए गाइज हमारे छोले कुलचे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग फटाफट से एंजॉय कर लो, ट्राई कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।